विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं आम जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों की जो शासन प्रशासन तक पहुंच नहीं पाते या फिर उन्हें पहुंचने से पहले ही दबा दिया जाता है। ऐसे ही मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर एक तरफ जागरूकता अभियान चला रही है और शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई। मामला मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत का है, जहां पर स्कूल के लिए भवन तक नहीं है और बच्चे पंचायत हॉल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की अगर बात करें तो बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है वो जर्जर हो चुका है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में स्कूल में पानी भर जाता है, इसलिए नए शिक्षा सत्र में स्कूल भवन ना होने के कारण प्राइमरी स्कूल का संचालन अब ग्राम पंचायत भवन में किया जा रहा है। स्कूल के प्रधान पाठक का कहना है कि इसकी जानकारी हमने कई बार पहले भी जिम्मेदारों को दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब दिक्कत यह है कि जिस पंचायत भवन में स्कूल संचालित हो रहा है वहां पर भी पंचायत का सामान रखा गया है, लिहाजा बच्चों को बैठने और शिक्षकों को पढ़ाने में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस पंचायत भवन की अगर बात करें तो यहां लगने वाले स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। भवन बहुत अधिक जर्जर होने के कारण हम लोग अभी वर्तमान में पंचायत भवन रुझी में विद्यालय संचालन कर रहे हैं। बच्चों की संख्या 110 है, वहां भी हमें बहुत समस्या हो रही है बैठाने में। दो कमरे में 40-40, 50-50 बच्चों को बैठाना पड़ रहा है। वहां शौचालय नहीं है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। किचन खाना बनाने के लिए परेशानी हो रही है। वर्तमान में 110 बच्चे दर्ज हैं और हम लोग 4 स्टाफ हैं। ये हमारे जो प्राथमिक पाठशाला है जहाँ स्कूल लगता था उस भवन का हालत जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो गया था। हम लोग तत्कालिक व्यवस्था के लिए यहाँ जो है तो पंचायत भवन में इसको मतलब लगाना चालू किए हैं। थोड़ा बहुत तो प्रभावित हो ही रहा है। स्कूल प्रभारी ने हमको जानकारी ये दी है कि वहाँ का जो पुराना भवन है उसमें कपड़े हटा के टीन सेट लगाए गए हैं, तो वो उसके थोड़ा झुक गया है जिससे पानी अंदर जा रहा है उसमें, जिस कारण से बरसात में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बच्चों को बैठने। तो इसलिए सरपंच के आग्रह और सीएससी के वो जानकारी के आधार पर हमने उसको ग्राम पंचायत भवन में शिफ्ट करवाया। तो आप देख सकते हैं लगातार शिक्षा की व्यवस्था और गुणवत्ता को सुधारने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक भवन तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा। मासूम बच्चे जो कि पढ़ने के लिए स्कूल आना चाहते हैं लेकिन व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोरिया की, जहां पर मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में ग्राम पंचायत में स्कूल लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता कोरिया से धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि गुणवत्ता को सुधारने की बातें चाहे तमाम कर ली जाए लेकिन स्तर जो है वो उस तरीके का नहीं है कि बच्चे वहां जाकर पढ़ाई कर पाए। अभी क्या कुछ हालात हैं अगर बात की जाए मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्राथमिक शाला जो रोजी था वहां का कहते हैं बीते सत्र में शिक्षा सत्र में वो स्कूल कंडम हो चुका था। इसको तत्कालीन व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत भवन में स्कूल का संचालन कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ दो कमरे हैं, वहाँ दिक्कतें काफी होती है बच्चों को, इसलिए बैठ के पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। वही सबसे बड़ी बात है वहाँ शौचालय की भी कमी है। अक्सर शौचालय जो बगल में ग्राम पंचायत का बना हुआ उसमें ताला लटका रहता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक साथ बच्चों को बैठाया गया है, वहां बैठने की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो स्कूल का हॉल है वो जर्जर हो चुका है, बारिश का मौसम है, इस मौसम के लिए क्या पहले से स्कूल प्रबंधन तैयार नहीं था कि बारिश आएगी तब इस प्रकार की दिक्कतें होंगी, तो पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए? जी, मैं आपको बता दूं कि नए शिक्षा सत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था, स्कूल भवन अच्छा होना चाहिए था, बढ़िया क्या कहते सुविधा देनी थी बच्चों को, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई। पुराना कंडेम स्कूल था जहाँ तत्कालीन व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत थे, वही ग्राम पंचायत का कार्य भी बच्चों के चक्कर में प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग लापरवाही इतनी ज्यादा कर रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को हो रही जहाँ उनकी शिक्षा में दिक्कतें आ रही है और वही प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। बिल्कुल, और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, शिव प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, वहाँ के शिक्षक हैं। शिव प्रसाद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में।
हाँ नमस्कार जी शिव प्रसाद जी, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं स्कूल की, वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, किस प्रकार से इतने बच्चों के साथ पढ़ाई वहाँ पर करवाते हैं आप? हाँ मैडम, अभी तो मैडम पंचायत भवन जो लग रहा है तो फिलहाल ठीक व्यवस्था बन गया है जी। हाँ यहाँ पर शिव प्रसाद जी जो तकलीफें हैं साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर स्कूल का जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, बारिश का मौसम है और पंचायत भवन में आपको शिक्षण सत्र को चलाना पड़ रहा है, क्या इससे पहले व्यवस्थाओं के बारे में आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया था कि आगामी जो सत्र है शिक्षण का वो इसको लेकर बाधित हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई इसके लिए बाधित हो सकती है? हेलो हाँ जी शिव प्रसाद जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पंचायत भवन में अब हॉल का उपयोग किया जा रहा है, बच्चों को बैठाया जा रहा है और जितनी अधिकता बच्चों की है और बैठने की व्यवस्था उसको लेकर कम हो रही है, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है? हाँ मैडम, बिल्डिंग जर्जर थी वहाँ तो दिक्कत है, तभी ऊपर के आदेश के अनुसार हम लोग पंचायत भवन में बैठ रहे हैं, वहाँ व्यवस्था फिलहाल अभी ठीक है जी, वहाँ बैठने के लिए जगह पर्याप्त है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, जिस प्रकार से शिव प्रसाद जी का कहना है व्यवस्थाएं जो हैं ठीक हैं, लेकिन हम जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक साथ कई बच्चों को एक ही हॉल में बैठाया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत भवन में मात्र दो रूम है, कोई बच्चों को पहली से पांचवी तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। एक हमने जब उस स्कूल का दौरा भी किया बीच में दोबारा, तो वहाँ देखा कि बच्चे क्या कहते हैं एक रूम में बैठे हैं, दूसरे रूम में वहाँ काला काला किचन जो है पूरा पूरी तरह से वो हो चुका है, बैठने में दिक्कतें बच्चों को, हमने बच्चों से भी बात की, बोले हम लोग सर क्या करें, हम लोग यहाँ पढ़ने आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तत्कालीन व्यवस्था के चक्कर में बच्चों को एक दो ही रूम में बैठाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ क्षेत्र में कोई क्या कहते हैं भवन भी नहीं है शासकीय जहाँ बच्चों को बैठा के आराम से पढ़ाया जाए। जी धीरे धीरे सिलसिले में आपकी अभिभावकों से बात हुई है, बच्चों के माता पिता से बात हुई, जिस प्रकार की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है शिक्षण विभाग द्वारा? जी मैं आपको बता दूं कि बच्चों की जब गार्जियनों से हमने बात की तो उनके द्वारा क्या कहते हमने तो बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दिया है और बच्चे अब ग्राम पंचायत में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीते कहते तो शिक्षा सत्र में जब भवन जर्जर हो चुका था तो तत्कालीन उस समय व्यवस्था क्यों नहीं की गई, नए शिक्षा सत्र में नया भवन वैसी भवन को क्या कहते रिपेयर करके बैठाना था, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही, जहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय में कहते स्कूल का संचालन किया जा रहा है और वही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जो वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कोरिया की हम बात कर रहे हैं, शिक्षक महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए लेकिन ठीक तरीके से कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। शिव प्रसाद जी, आप वहां के शिक्षक हैं और बच्चों को सही सुविधाएं मुहैया कराना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई दिक्कतें बच्चों को होती है, उनके अभिभावकों को होती है, तो आपको आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचानी चाहिए, और इस वक्त हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये तमाम प्रशासन तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ठीक व्यवस्था में है, जबकि व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चरमराई हुई है, हम खुद देख पा रहे हैं जहाँ पर एक छोटा सा भवन है वो भी पंचायत भवन है, स्कूल का भवन भी नहीं है। हाँ मैडम, अभी तो फिलहाल हम लोग पंचायत भवन में बैठ रहे हैं जी, कि वहाँ दो कमरे हैं। सर सवाल यही उठता है शिव प्रसाद जी, जब शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है तो आखिर पंचायत भवन में स्कूल लगवाने का मतलब क्या है, पहले से व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सुधारा गया, पहले से आपने जो शिक्षण विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको अवगत क्यों नहीं करवाया, इस प्रकार की परिस्थितियाँ अगर बन रही हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। जी शिव प्रसाद जी, हाँ मैडम, हम लोगों ने विभाग को जानकारी दे दी है मैडम, इसके लिए विभाग के ऊपर से अधिकारी आए हैं और भवन वगैरह को देख के चल दिए हैं जी, और ऊपर बोले हैं कार्यवाही जल्दी शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। आश्वासन दिया गया है शिव प्रसाद जी, कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, स्कूल का जो भवन है वो कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे? नहीं मैडम, इसमें हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, बोला गया है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव प्रसाद जी आपका। तो शिक्षक महोदय का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस प्रकार के सवालों के जवाब शिक्षक महोदय देते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है या तो वो बचते नजर आ रहे हैं या फिर इस मामले में फंसना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर वो शिक्षक हैं, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी हैं और आपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये कहना कहीं से कहीं तक
तक सही नहीं है कि व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त कर ली जाएंगी, क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है और पंचायत भवन में जो सुविधाएं हैं वो भी नाकाफी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कोरिया और कोरिया के मनिंद्रगढ़ विकासखंड की ये तस्वीरें हैं। ग्राम पंचायत भवन में स्कूल लगाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं और कुछ कहने से ज्यादा तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। ये तमाम वादे किए जाते हैं, स्कूल चलो अभियान की बात की जाती है, बच्चों को सही तरीके से शिक्षा जो है वो देने की बात की जाती है। धीरेन्द्र, जिस प्रकार से हमने बात की शिक्षक महोदय से, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है लेकिन ठीक नजर कुछ नहीं आता। जी मैं आपको बता दूं, इस बारे में हमने जब बात की थी क्या कहते विकास का शिक्षा अधिकारी से, उनके द्वारा कहा गया कि हमने अभी तत्कालीन व्यवस्था कर दी है, वही जल्द से जल्द बच्चों की बैठने की व्यवस्था नए भवन में कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात सवाल यह उठता है कि जब बीते सत्र में, शिक्षा सत्र में जब भवन जर्जर हो चुका था तो उतना समय तो शिक्षा विभाग को मिल ही गया था कि नए शिक्षा सत्र चालू होने में समय है, उसको तत्काल भवन को रिपेयरिंग किया जाए या दूसरा भवन बच्चों की बैठने की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग के द्वारा देखी जा रही है। या ग्राम पंचायत में स्कूल का संचालन किया जा रहा है और ऊपर से ग्राम पंचायत के कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं चंपा देवी पावले, वो भी जुड़ी हुई। चंपा देवी जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी चंपा देवी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हालांकि हम तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़, इतनी छोटी जगह में उनको बिठाया जा रहा है जहां पर व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, दुरुस्त नहीं है, पंचायत भवन का कार्य भी वहां प्रभावित हो रहा है। धीरेन्द्र, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर पाएं और इसका हल जान पाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें लगातार बारिश भी हो रही है और जर्जर भवन जो है। जी एक बार चंपा देवी जी हमारे साथ पुनः जुड़ रही हैं। चंपा देवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हेलो। हाँ जी चंपा देवी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हेलो हेलो। हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी चंपा देवी जी, हम बात कर रहे हैं मनेंद्रगढ़ विकास खंड की, जहां पर ग्राम पंचायत के भवन में बच्चों का स्कूल संचालित किया जा रहा है। एक छोटा सा भवन जहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे बिठाए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो जानबूझकर हमें अनसुना कर रही है, ये देखने वाली बात है। एक बार हम पुनः कोशिश करेंगे कि उनसे पुनः संपर्क करें। धीरेन्द्र, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सही सवालों का सही जवाब नहीं देते या यूं कहें अनसुना कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। अभी जो महीना चल रहा है, जुलाई का पूरा महीना लगभग खत्म हो चुका है, अगस्त का महीना आने वाला है, इस एक पूरे महीने में अभी तक कितनी बार कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं शिक्षण विभाग के, कुछ आपके पास जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि अभी नए शिक्षा सत्र को मात्र 1.5 महीने ही पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल भवन जर्जर है, नए ग्राम पंचायत भवन स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जब हमने इस बारे में विकास का शिक्षा अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें संकुल प्रभारी के द्वारा लिखित में जानकारी दी गई है, जहाँ जर्जर भवन हो चुका है वही हम तत्कालीन व्यवस्था में ग्राम पंचायत में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है जब इतना समय होने के बाद भी। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संजय गुप्ता जी जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पुनः एक बार फिर तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां या यूं कहें फोन काटे जा रहे हैं। एक बार पुनः हम कोशिश करेंगे संजय गुप्ता जी को फोन लगाया जाए ताकि हम उनसे जवाब मांग सके कि आखिर क्यों इस प्रकार से हीला हवाली हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धीरेन्द्र, आपने तमाम अधिकारियों से बातचीत की है, संजय गुप्ता जी से आपकी बात हो पाई का जिला शिक्षा अधिकारी, उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले में? जी मैं हमने जब अभी तत्कालीन जो नए शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता जी को जिस बारे में हमने जानकारी देनी चाहिए फोन के माध्यम से, उनके द्वारा फोन को रिसीव नहीं किया गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता, कहीं ना कहीं लापरवाही शिक्षा विभाग के द्वारा देखी जा रही है। जी
बिल्कुल धीरेन्द्र, और यही हम सामने भी देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारा जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तमाम अधिकारियों को हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन उठाना नहीं चाह रहे या फोन उठाकर फोन को काट दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही, यही इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ है। आप कैंपेन करते हैं, आप तमाम तरीके के एड निकालते हैं, स्कूल चलो अभियान का जिक्र करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। जी धीरेन्द्र जी, मैं आपको बता दूं कि हमने जब स्कूल का भ्रमण किया गया, हमारे द्वारा किया गया, तो हमने जाके स्कूल में देखा भी कि वहाँ कुछ ज्यादा कोई भवन तो जर्जर नहीं है, लेकिन ऊपर की सीट जर्जर हो चुकी, कभी बैठ सकती थी। बरसात का सीजन है, बच्चों काफी दिक्कतें होती है, तो ग्राम पंचायत में तो स्कूल का संचालन किया जा रहा है, वो दो रूम ग्राम पंचायत में है, वहाँ बच्चे कैसे बैठेंगे? सबसे बड़ी समस्या बच्चों को होती है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई भी इस मामले संज्ञान नहीं लिया जाता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर सरपंच साहब का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पंचायत भवन में ये शिक्षण सत्र संचालित किया जा रहा है। सरपंच साहब का क्या कुछ कहना है? हालांकि पंचायत भवन तो उन्होंने पढ़ाई के लिए दे दिया है, लेकिन क्या वो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो बच्चों को मुहैया करानी होती है? जी, हमने जब रोजी के ग्राम पंचायत सरपंच के जब गोविंद सिंह से हमने बात की, तो उनके द्वारा कहा गया किया स्कूल भवन जर्जर होने के तत्कालीन व्यवस्था के लिए हमने ग्राम पंचायत उच्च अधिकारियों को निर्देश तो दे दिया, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत का कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कई कार्य उन पे बाधित हो रहे हैं, जैसे इस समय खेती किसानी का समय है, कई प्रकार की दिक्कतें ग्रामीणों को होती है, उसके बावजूद भी सरपंच के द्वारा अपना ग्राम पंचायत का भवन दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है अधिकारियों की, जिले के आला अधिकारी कभी इस मामले को लेकर संज्ञान में नहीं लेते हैं, और सबसे लापरवाही बरते जो ग्राम पंचायत में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक बार पुनः हम बता दें, इस पूरे मामले में हमने संजय गुप्ता जी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनका भी फोन लगाया, चंपा देवी पावले जी जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी, वो भी फोन उठाने को मना कर रही हैं या फिर अनसुना कर रही हैं। तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पूरी फहरिस्त हमारे पास इस वक्त है, लेकिन कोई भी इस मामले में धीरेन्द्र कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आखिर इस तरीके से बचते क्यों नजर आ रहे हैं लोग? क्या इतना बड़ा मामला है, छोटे बच्चों को आप स्कूल का एक भवन मुहैया नहीं करवा पा रहे? सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई है बच्चों के साथ। नए शिक्षा सत्र जब चालू हुआ तो उससे पहले भवन का जीर्णोद्धार कर देना चाहिए था, तत्कालीन व्यवस्था किसी भवन अतिरिक्त कक्ष में कर देनी चाहिए थी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जो ग्राम पंचायत में स्कूल का संचालन कर रहे हैं, और वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कार्य भी ग्राम पंचायत का नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो एक बार हम पुनः आपको बता दें, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया और कोरिया के मनेंद्रगढ़ विकास खंड का है, जहां पर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं छोटे बच्चे जो कि स्कूल पहुंचते हैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ, बड़ी ही आशा के साथ कि उनको शिक्षण सत्र के दौरान अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी, सरकार के द्वारा जो तमाम वायदे किए जाते हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन हकीकत किस प्रकार की है आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, बारिश का मौसम है, पहले कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करवाई गई, और अब जब स्कूल लगाए जा रहे हैं तो वो पंचायत भवन में लगाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से धीरेन्द्र अगर बात करें, जो ग्राम पंचायत का भवन है वहां पर भी पंचायत भवन का सामग्री जो है वो पहले से रखी हुई है, इतनी कम जगह में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को बैठने में काफी दिक्कतें होती है ग्राम पंचायत भवन में। एक तरफ सरकार बोलती है, नारा देती है कि स्कूल ना चले बस, जिंदगी ना गड़े बस, अब ये नारा कहाँ तक साबित हो रहा है? अब तो यही नारा लगता है कि ग्राम पंचायत ना चले बस, स्कूल ना पड़े बस। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा आला अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है। बिल्कुल, लापरवाही का आलम यह कि लगातार फोन कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। स्कूल भवन जहां बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पर उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और शिक्षक महोदय स्वयं कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, या यूं कहें धीरेन्द्र की वो कुछ कहना नहीं चाह रहे या वो बचते नजर आ रहे। जी, मैं आपको तो शिक्षक के द्वारा जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारियों के दबाव या प्रेशर के कारण जैसी बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है स्कूल में इतनी दिक्कतें हैं, बच्चों को बैठने में दिक्कतें हो रही है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया धीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी धन्यवाद कि इस मुद्दे को आपने उठाया हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से। और अगर ये जो हमारी खबर है अगर स्कूल शिक्षा विभाग तक या प्रशासन तक पहुंच रही है तो उम्मीद यही है कि वो जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे और जल्द से जल्द बोलने की स्थिति में आएंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया धीरेंद्र। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की, कोरिया का मनेंद्रगढ़ विकासखंड, जहां पर पंचायत भवन में स्कूल लगाया जा रहा है। छोटे बच्चे जो कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, अभिभावक भी कहीं ना कहीं निराशा उनको हाथ लगती है कि बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ वो तैयार करके भेजते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है हल्ला बोल में कि आखिर तमाम जिम्मेदार अधिकारी बचते क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों आखिर अपनी जिम्मेदारी को सामने रखकर वो इस पूरे मामले को सुलझाते नहीं है। क्योंकि बच्चों की शिक्षा की बात जरूर की जाती है, स्कूल चले अभियान एक बड़ा कैंपेन है जो कि प्रदेश नहीं बल्कि देश स्तर पर चलाया जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं आपने देखी हैं जो कि नाकाफी हैं। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।